अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्काईटेक में। दोस्तों, बैड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कल 30 दिसंबर है। कल 30 दिसंबर से सुबह 7 बजे से मास्क फिर से मैंडेटरी कर दिया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग भी। जी हाँ दोस्तों, पहले ये मस्जिदुल नबवी और मस्जिदुल हरम में अगर आप मास्क ना लगाएं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और आउटडोर जितना भी एरिया है जैसे कि सड़क है, पार्क है, कहीं भी आप मास्क ना लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन कल से सुबह 7 बजे से सब कहीं, हर कहीं, जहाँ कहीं भी आप घर से बाहर निकलते हैं, चाहे वो मॉल हो, कमर्शियल एरिया हो, सुपरमार्केट हो, कहीं भी हो, आपको हर कहीं मास्क लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग भी करना है। जी हाँ दोस्तों, और अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जिन लोगों ने 3 डोज कंप्लीट किए हैं क्या उन लोगों को मास्क लगाना ज़रूरी है? तो जी हाँ दोस्तों, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से ट्वीट आया है उसमें कोई रियायत किसी के लिए नहीं बरती गई है। बस यही बताया गया है कि जितने लोग भी सऊदी अरब में रहते हैं कल से सुबह 7 बजे के बाद से सबको मास्क लगाना है। अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं या फिर पकड़े जाते हैं तो फिर वही पुराना नियम है, 1000 रियाल की फ़ाइन आपको पड़ सकती है। ये सब सऊदी अरब में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस जो बढ़ रहे हैं उनको देखते हुए किया गया है। और सबसे ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं सऊदी अरब में तो रियाद, जिद्दा, मदीना और हफूफ में। हफूफ में मैं रहता हूँ, हालांकि यहाँ इतना कुछ असर दिख नहीं रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि इन्हीं 4 एरिया में सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस आ रहे हैं। और इसी वजह से सऊदी अरब में कल से फिर से मास्क को मैंडेटरी कर दिया गया है। तो मेरा काम था आप लोगों को इन्फॉर्म करना। और अब एक और सवाल है आप लोगों का कि जैसे कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो क्या वहाँ भी आप लोगों को मास्क लगाना ज़रूरी होगा? तो दोस्तों, अगर आप गाड़ी के अंदर अकेले हैं, सिर्फ आप हैं और कोई नहीं है गाड़ी में, तो अगर आप मास्क रिमूव कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले भी ऐसा था कि अगर आप गाड़ी में अकेले हैं और मास्क नहीं लगाए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो लोग 3 लोग हैं तो फिर मास्क आपको गाड़ी के अंदर भी लगाना है, वहाँ भी मास्क मैंडेटरी है। यानी कि जितनी भी पहले रियायत छोड़ी गई थी, जितनी छूट दी गई थी मास्क को लेकर के, सारी चीज़ें फिर से फिल कर दी गई हैं। और कोरोना के बढ़ते केसेस हर दिन डबल हो जा रहे हैं। आप देख सकते हैं 744 केस आए हैं आज। तो इसीलिए सऊदी अरब में कल से मास्क मैंडेटरी कर दिया जाएगा। बहुत अच्छा तोहफा मिला है नए साल का। और दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि फरवरी में जो तीसरी लहर आई है ये, इसके सबसे ज़्यादा केस आएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो दूसरी लहर आई थी कोरोना की, उससे ज़्यादा केस तीसरी लहर में होंगे, ऐसा बताया जा रहा है कि फरवरी का महीना जो 2022 का आएगा उसमें हद से ज़्यादा केस बढ़ सकते हैं। जिसने ये दावा किया था वो पहले भी ऐसी भविष्यवाणी कर चुके हैं कोरोना की दूसरी लहर के बारे में, और एकदम सटीक बैठी थी। ठीक उसी तरह से उन्होंने ये भी दावा किया है कि फरवरी के महीने में ये जो तीसरी लहर है इसमें हद से ज़्यादा कोरोना के केस बढ़ सकते हैं। अब देखना ये है कि फरवरी के आते आते कोरोना के केस उतने ज़्यादा बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। जिस हिसाब से फ़िलहाल कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से तो ऐसा ही लगता है कि फरवरी में फिर से कोरोना का विस्फोट होने वाला है। फिलहाल उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, आप लोगों को पता चल गया होगा कि कल से आपको मास्क लगाना है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो या फिर इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड टेक केयर।